कोरोना को लेकर आज जहां पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते तार तार होने की खबर सुर्खियां बना रही है, वहीं जहानाबाद में अपने परिजन की देखभाल और अपने हौसले से 85 साल की एक वृद्ध महिला ने कोरोना को मात देकर बेहतर पारिवारिक रिश्ते की एक मिसाल पेश की है। घोषी प्रखंड के कैरवा गांव की रहने वाली सबूजा देवी ने उम्र के आखिरी पड़ाव में कोरोना जैसी महामारी को मात दी है। कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से ग्रसित होने के बाद भी उन्होंने अपना आत्मबल बनाए रखा। कई दिनों तक ऑक्सीजन के सहारे सांस चलने के बावजूद बुजुर्ग सबूजा देवी ने अपना हौसला नहीं खोया। वहीं परिजनों की देखभाल और सरकारी डॉक्टर की सलाह से दवा खाने की वजह से महिला ने कोरोना को मात दे दी। आज पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद सबूजा देवी अपने परिजनों के साथ खुशियां बांट रही हैं। परिजनों के सहयोग, देखभाल और अपने मजबूत हौसले के कारण कोरोना पर विजय पाने वाली सबूजा कहती हैं कि अगर हौसले मजबूत हों और अपनों का साथ हो तो हर बीमारी को मात दी जा सकती है। परेशान हम रहली बा 8 दिन जी। 8 दिन परेशान रहली बा कि तब हमरा बार बच्चा कोई छोड़लक ना, सब हमरा सब मिल के कहलक और ना कोई घिना आयल। तो ये जो है कि आप भी मजबूती से इसका ये किया। हाँ हम हूँ रहली, अब मानो अब आइए गेला रोग तब तो मजबूते ना रहना हाल है। ढेर लोग जो है एकरा से परेशान हो जाता है, आप क्या कहती है क्योंकि आपकी भी उम्र बहुत है ना। तो अपना होरा लेकिन परेशान ना हो दिल को हाल ना रह तो कोई जैसे परेशान हो ये जैती है, बाकी लेकिन मेरी परेशान ना रह लियो। आप भी मजबूती से इसका रोग का सामना किया। हाँ क्या कहना चाहती हैं और सब जो लोग परेशान हो जाता है। अब अथी भलाई मांगता ना कुछ मांग, हिम्मत से लोग काम ले। हिम्मत चाहिए तब ओकरा में कि हिम्मत ले कि हमरा ठीक हो गए। तो दवा वा सब समय से खाया था जी। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का भी जरूरत पड़ा था। हाँ ऑक्सीजन लग ली है जी, लेकिन फिर भी आप हिम्मत नहीं हारी ना। ऑक्सीजन भी लग लो, बाकी तो हम ऐसे ही पड़ा रह लियो, हमारा सब कुछ वैसे रह लो। कितना उम्र हो रहा होगा आपका? 85 बरस होते होते, 85 से ज्यादा ही होते, 1-2 साल कम ना होते। ठीक है। वृद्ध महिला के बेटे रंजीत कुमार ने कहा कि 2 हफ्ते पहले उनकी मां कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गई थी। वहीं पहले से ही कई बीमारियों से जूझ रही थी और कोरोना के कारण उनका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा था। संक्रमण का पता चलते ही उन्होंने अपनी मां को अलग कमरे में क्वारंटीन किया और सरकारी डॉक्टरों की सलाह से दवा खिलाना शुरू कर दिया। क्या हो गया था कोरोना, मतलब इनको हो गया था? कैसे ठीक हुई, मतलब चूंकि उम्र काफी है इनकी और लोग परेशान हो जा रहे हैं। तो जो डॉक्टरी परामर्श है, डॉक्टर क्या जो मतलब दवा जो डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया, वो दवा को हम समय से मतलब देते रहे। और खुद मदर का आत्मबल कितना काम आया इसमें? हाँ हिम्मत से मतलब काम ली है। आप लोगों ने कैसे सेवा की, क्योंकि आजकल जो है देखा जा रहा है कि जो सामाजिक स्तर पे जो ताना बाना है वो कोरोना ने खत्म कर दिया है। ना हम लोग उस तरह का इससे कोई भेदभाव नहीं रखे हैं। हम मतलब अपने बहुत ढंग से इसको सेवा किए हैं, इससे हम अलग नहीं रहे। मतलब सेवा का ही असर रहा कि आपकी मदर फिर से जी। क्या इसको कहेंगे कि दूसरा जीवन मिला है? हाँ तो क्यों नहीं, दूसरा जीवन तो इसको मतलब मिल भी किया है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना दिन लगा रहा? ऑक्सीजन करीब मान के चले कि दो दिन मतलब ऑक्सीजन लगा है, और उसके बाद तो नेबुलाइजर वगैरह जो है सब लगाए भी किए थे, नेबुलाइज किए थे। ऑक्सीजन 2 दिन लगा है। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार। कितनी उम्र होगी मदर की? 85। तब मतलब इतना आत्मबल है जी। कोरोना काल में संक्रमण की चपेट में आकर लोगों के मरने का सिलसिला जारी है। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना को मात देकर जिंदगी की जंग जीत रहे हैं। ऐसी ही महिला है सबूजा देवी। सबूजा देवी ने 85 साल की उम्र में कोरोना को मात देकर मिसाल पेश की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जहानाबाद से मुकेश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।